हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि एक रूमर फैला है, एक अफवाह उड़ रही है कि KVS का PGT का एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वाराणसी में एक स्कूल है जहां पर जो पेपर के सेट थे वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, गलत सेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, जिस वजह से वहाँ पर जो मैनेजमेंट था उनसे ये दिक्कत हुई थी, जिस वजह से ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ आपको बताता हुआ चलता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों KVS में लास्ट तक इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट तक मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, KVS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों स्पेशल एजुकेशन वाले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। और मैं आगे स्टार्ट करता हूं वीडियो। दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोटिस, द KVS एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT शेड्यूल ऑन 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर को एग्जाम था, एट सेंटर नंबर 42307 ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल लमाही वाराणसी UP हैड टू बी कैंसिल ड्यू टू द रिपोर्टेड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द PGT टेस्ट बुकलेट इन सेशन। ठीक है दोस्तों, सेशन आई, यानी कि जो यहाँ पर जो टेस्ट बुकलेट मिलती है हमें ABCD करके, जो भी JK करके जो भी मिलती है सेट, जैसे भी सेट होता है, वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिस वजह से वहाँ पर एग्ज़ाम जो है दोबारा होगा सिर्फ वहाँ के शिफ्ट का। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है KVS का। KVS की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं बताता हुआ चलूँ कि PGT के बारे में, सॉरी दोस्तों, PRT की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लेना और अपने कमेंट कर देना। और एक वीडियो आने वाली है दोस्तों फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों, मैं साथ ही साथ अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, मतलब आंसर की कब तक आ जाएगी, और रिजल्ट कब तक आ सकता है, और कब तक दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आगे आपको बताता हुआ चलता हूँ। एज पर द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जर्वर अपॉइंटेड एट दिस सेंटर एंड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द CBSE इंचार्ज एट वाराणसी एंड सेंटर सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंटर नंबर 42307, ए मिस्टेक वॉज कमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट एट दिस सेंटर कंसाइडरिंग द फ्यूचर ऑफ द कैंडिडेट्स एंड बेस्ड ऑन देयर डिमांड्स मेट टू द ऑफिसर प्रेजेंट एट द सेंटर इंक्लूडिंग द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो दोस्तों, यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में। टोटल जो है इस वीडियो का सार यही है कि जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है उस सेंटर पे, जो ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल है वहाँ पर जो था पेपर का सेट था वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ PGT का था, TGT और PRT का ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आगे आपको बताता चलूँ, डिसाइड बाय द KVS एंड द CBSE अथॉरिटीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन टू रिकंडक्टेड द एग्जामिनेशन एट सेंटर नंबर 42307 एट वाराणसी ऑन 13 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर को पेपर है दोबारा, और सेशन 1 PGT एंड सेशन 2 TGT एट द सेम टाइम सेशन एंड वेन्यू इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस टू द कैंडिडेट। कैंडिडेट हैव बीन सेंट इंडिविजुअली मेल्स इंटीमेटिंग देम टू डेट ऑफ रिकंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। दिस नोटिस मे बी केयरफुली नोटेड बाय ऑल कंसर्न सो एज टू नॉट टू गेट मिसगाइडेड बाय एनी रूमर्स और सो। और दोस्तों, इसके अलावा किसी भी रूमर से आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी वैल्यूबल एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, न्यू ईयर से पहले 10,000 सब्सक्राइबर कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।